अथ श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हमने 13वें सेशन में देखा था श्लोक नंबर 51 अध्याय 2 का, उसमें 51वां जो श्लोक है वो इस तरह से है, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही, फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। नामयम्, यहां हमने बताया था अमय मतलब होता है बीमारी, और अनमयम अनामयम अनामयम में ना कष्ट रहित, बिना किसी दुख कष्ट के कहां जाओगे? पदम, कौन सा पद? हमने यहां लिखा है पद भी ऊपर नीचे, यानी आप ऐसी जगह को प्राप्त होगे, ऐसी पोजीशन को प्राप्त होगे जहां पे क्या नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, कोई व्याधि नहीं होगी, और क्या होगा? जन्म बंधन विनिर्मुक्ता। जन्म और बंधन का जो चक्र है, एक चक्र नहीं है। देखो, एक जन्म हुआ, एक मृत्यु हुई, मृत्यु हुई, पुनर्जन्म हुआ, पुनर्मृत्यु हुई, तो एक चक्र नहीं। जन्म और मृत्यु, या मृत्यु और जन्म, मृत्यु और जन्म है। तो जन्म हुआ, मृत्यु हुई, उस बीच में आपका शरीर है, तो क्या बोला? शरीर का जन्म हुआ और मृत्यु, तो शरीर की मृत्यु हुई। जब शरीर की मृत्यु हुई तो वापस शरीर का जन्म होगा, तो जन्म मृत्यु, मृत्यु जन्म मृत्यु, और जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है जिसमें आपका शरीर होता है, कह रहे हैं कि वह शरीर इस पद को नहीं प्राप्त करेगा, इस जगह को नहीं जाएगा। कौन जाएगा? आप जाएंगे। कौन? जो मृत्यु और जन्म के बीच में है, जो आपका आत्मा है, जो आपका जीवात्मा है, वो कहां जाएगा? जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त ही केवल नहीं होगा, विनिर्मुक्त। देखिएगा, मुक्त यानी क्या होता है? उससे छुटकारा मिलेगा। उससे आगे क्या लिखा? विशेष रूप से मुक्त हो जाएगा, मतलब अनंत काल के लिए मुक्त हो जाएगा, अर्थात आप भगवान की शरणागति। कौन सा जगह? पदम, पद यानी कमल, पदम कमलवत, यानी ऐसी जगह को आप प्राप्त होंगे जहां पे भगवान की अनुकंपा आपके ऊपर 24 घंटे हमेशा बनी रहेगी, ऐसी जगह को प्राप्त होता है। लेकिन प्रश्न क्या उठता है? ये तो फल है, ये क्या हुआ? फल, जो सामान्य मनुष्य फल की इच्छा से काम करता है, तो ये फल बताया भगवान ने, क्योंकि अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे, तो अर्जुन को समझाने के लिए भगवान ने पहले ये फल का भी बात कर दिया कि हे अर्जुन, इतना बड़ा फल मिलने वाला है, लेकिन कब? फल कब मिलेगा? ये फल किस चीज का है? कर्म का फल है, तो कर्म पहले करोगे तब फल मिलेगा। तो बोला, अब कर्म क्या करना है? तो बोला, मनीषिणा, मनीषी बन जाओ। मनीषी बन जाने का अर्थ क्या है? ऐसे, अर्थात जो मनीषी लोग होते हैं, जिनका मनन चिंतन बुद्धि एकदम पवित्र होता है, जिनका ये सब जो कुबुद्धि है उससे दूर हो जाता है, ऐसी बुद्धि जो कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। मनीषी क्या करते हैं? जो ऐसे फल का त्याग कर देते हैं, त्याग, त्यक्तो मतलब होता है त्याग करने के बाद, त्याग करने से नहीं, त्याग करने के बाद किस चीज का त्याग करते हैं? फलम त्यक्त्वा, फल को त्यागने के बाद, फल के त्याग करने के बाद जो आपकी स्थिति होती है उसको मनीषी कहते हैं, अथवा अर्थात मनीषी लोग फल का त्याग कर देते हैं, त्याग कर देते। कौन सा फल? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही,
बुद्धि के पूर्वक, बुद्धि का उपयोग करते हुए, बुद्धि का उपयोग करके ऐसे कर्म, ज मतलब क्या होता है, उत्पन्न हुआ, कर्म से उत्पन्न हुआ जो फल है, यानी कर्म फल, कर्म के बाद ही फल मिलेगा ना, तो फल कब आएगा, जब कर्म हो जाएगा उसके बाद, यानी फल क्या हुआ, कर्म का, कर्म से उत्पन्न हुआ, तो फलम कर्म, कर्मजम फलम, कर्म से उत्पन्न हुए फल का बुद्धिपूर्वक त्याग करके, बुद्धिपूर्वक कौन सी बुद्धि, पहले भगवान ने बताया था, आपने आगे ध्यान दिया होगा कि ऐसी बुद्धि जो मोहग्रस्त है, तो मोहग्रस्त बुद्धि जो है वो कर्म के फल में पड़ी रहती है, तो मोह से दूर जाकर के आपके अस्तित्व को जब पदम तक ले जाने के लिए, जन्म और मृत्यु के बंधन से बाहर निकालने वाली जो बुद्धि है वो बुद्धि मनीषियों की बुद्धि होती है। तो इसी चीज को भगवान ने अब श्लोक नंबर 52 में, अब हम अगले श्लोक में जा रहे हैं, वहां पे हमको बताया। अब इससे एक स्टेप पहले जरा जाते हैं, वहां पे भगवान ने क्या कहा, योगः कर्मसु कौशलम, 50 नंबर के श्लोक में कहा, अर्थात एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि कर्म की कुशलता को अगर योग कहते हैं तो बहुत लोग अपना कर्म बहुत कुशलता पूर्वक बुरा कर्म भी करते हैं, जैसे चोरी, तो किसी ने बहुत ही कुशलता पूर्वक चोरी कर लिया तो क्या वो योग कहलाएगा, तो यहाँ पे भगवान का ये अर्थ नहीं है। अर्थ कौन सा है, मोह रूपी बुद्धि से दूर हो करके, तो जो चोरी किया वो मोह रूपी बुद्धि से करता है कर्म, तो ऐसा कर्म जो मोह रूपी बुद्धि अर्थात कुछ स्वार्थ नामक बुद्धि, अर्थात ऐसी बुद्धि जो आपको अधम की ओर ले जाए, पतित की नीचे की ओर ले जाए, उस बुद्धि से अर्थ यहां नहीं है। इस कर्म की कुशलता कौन सी कुशलता, ऐसी कुशलता जिसमें आपको योग अर्थात ऊपर की ओर जाने के लिए आपकी अधोगति नहीं, आपकी उन्नति की ओर ले जाए, ऐसे कर्म को योग कहते हैं। और दूसरे अर्थ में अगर कहें तो ऐसा कर्म जो योग के साथ जुड़ जाए वो आपको कुशलता देता है, ये भी हमने आपको बताया था, योग मतलब जुड़ना, तो ऐसा कर्म जो आपको योग अर्थात आपको ऊपर की ओर ले जाने के लिए, उन्नति की ओर ले जाने के लिए आपको जोड़ दे, तो वो आपको कुशलता प्रदान कराता है अथवा आपको कुशल बनाता है, आपको और स्किलफुल बनाता है, ठीक है। और योग की क्या परिभाषा दिया, समत्वम योग उच्यते, इससे पहले वाले श्लोक में कहा कि योग क्या है, समत्वम अर्थात द्वंद्व से बाहर निकलना, अर्थात कंफ्यूजन स्टेट से बाहर निकलने के लिए आपको योग की आवश्यकता है, और वो जो उसे ही योग कहते हैं जो आपको समत्वम की ओर ले जाए, अर्थात दुख सुख रोग हर्ष जय पराजय घृणा द्वेष आदि जो चीजें हैं, जो द्वंद्व है उसमें समता, आपकी जो बुद्धि है उसको सुख आया बहुत अच्छा है, दुख आया कोई बात नहीं, इस तरह का भाव मन में आ जाए तो उस स्थिति को यौगिक स्थिति कहते हैं। और उससे भी पहले और श्लोक में भगवान ने कहा, इसलिए दूरेणा ह्यवरम कर्म, अर्थात ऐसे कर्म से, इसलिए मैंने दो एरो लगाया ऊपर और नीचे, अर्थात सदकर्म और दुष्कर्म, तो सदकर्म और दुष्कर्म अर्थात सकर्म, तो जो भी फल से संबंधित कर्म है वो सकर्म कहलाता है, सकर्म अकर्म विकर्म, तो मैंने बताया था आपको सकर्म कर्म के भाव भेद जो है, और सकर्म अकर्म और विकर्म, तो मैंने बताया था, तो भगवान ने कहा कि ये जो सकर्म और अकर्म है दोनों से दूर रहना है, ना कि हमें फल के लिए कर्म करना है और न ही हमें कर्म नहीं करना है, ऐसा भी नहीं, तो कर्म तो करना ही करना है, लेकिन ऐसा कर्म नहीं करना है जो सकर्म अर्थात जो फल की इच्छा से किया जाता है या फल को ध्यान में रख करके किया जाता है, अथवा फल से प्रभावित हुआ कर्म ही हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कर्म करना चाहिए जो 100% योग जैसा हो,
तो भगवान ने कहा ऐसे सकर्म से अर्थात ऐसे कर्म से दूर रहो, दूर एण दूर ही रहना चाहिए जिससे हर वरम, वरम यानी श्रेष्ठ लोग, तो दूर एण ही वरम, कौन से लोग अच्छे, वर मतलब श्रेष्ठ, तो जो श्रेष्ठ लोग हैं वो ऐसे कर्मों से अपने आप को दूर रखते हैं और वे लोग ही, यहाँ पे भगवान ने मनीषिणा कहा कि वो लोग ही मनीषी कहलाते हैं। और इसी चीज को भगवान अब श्लोक नंबर 52 में जो आपके सामने लिखा है इसको आगे बढ़ाते हैं। ये इसके बताने के पीछे का कारण ये था कि आपको थोड़ा सा पीछे का पता हो कि पहले वाले श्लोकों में भगवान ने कौन से विषय में चर्चा जारी रखा है, क्योंकि हमारी बुद्धि और याददाश्त थोड़ी कम होती है ना, तो थोड़ा लिंक देना जहां आवश्यक हो जाता है। श्लोक नंबर 52, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यते तदागन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। आपको ध्यान होगा पहले भी हमने बात किया था इसके बारे में कि भगवान ये जो श्लोक हैं लगभग पिछले के 8-10 श्लोक और आगे आने वाले 8-10 श्लोक, ये सभी में भगवान ने बार बार यदा और तदा शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसको हम इस तरह से समझें इस श्लोक को कि यदा ते मतलब तुम्हारा अर्थात आप, अर्थात कौन, हम सब। तो भगवान ने हमें कहा कि हे वेदव्यास, हे सोहिल भाई, हे श्रीमद् भगवत गीता के श्रोता और ज्ञान पिपासु लोग, अर्जुन तो एक माध्यम हो गए, तो कहा कि हे मनुष्यों, यदा ते जब, यदा यानी जब, ते यानी तुम्हारी अर्थात तुम और अथवा आप, तो जब तुम्हारी मोह कलिलम बुद्धि, क्या होगा, जब तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम, मोह यानी जानते हो मोह के दो रूप हैं, एक प्रेम भरा और एक द्वेष भरा। तो अगर मैं किसी से घृणा करता हूं, अगर मैं किसी से द्वेष करता हूं, तो वो भी एक प्रकार का मोह है। मान लो ये डंडा है, लोहे का डंडा है, इधर मैं बर्फ रख दूं और इधर मैं दिया जला दूं, इधर गर्म होगा और इधर ठंडा होगा, लेकिन रॉड तो एक ही है, तो इधर द्वेष हो सकता है, इधर प्रेम हो सकता है, इधर मान सम्मान हो सकता है, इधर तिरस्कार हो सकता है, इधर द्वेष और घृणा हो सकती है और इधर, तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि बात तो एक ही है, तो मोह एक ही है। तो भगवान ने कहा कि तुम इस समय अर्जुन कौन से मोह में हैं, तो इस समय अर्जुन अपने परिवार के, अपने लोगों के, पिता मतलब जो सामने पक्ष के लोग हैं उनकी मृत्यु ना हो जाए, उनके शरीर का नुकसान ना हो जाए, तो उस मोह में फंसे हुए हैं, तो मोह कलिलम। अब प्रश्न ये उठता है कि अर्जुन फंसे हैं कि अर्जुन की बुद्धि फंसी है, तो मोह का नाम का जो कलिलम यानी दलदल कीचड़ होता है ना, तो कीचड़, भगवान ने कहा कलिलम, यहां समुद्र नहीं कहा, नदी नहीं कहा, तालाब नहीं कहा कि मोह के तालाब में फंस गए हो, मोह की नदी में फंस गए हो, मोह के समुद्र में फंस गए हो। क्यों? क्योंकि पानी है ना वहां पे, तो पानी में से तैर के निकलना आसान, लेकिन दलदल में एक बार फंस गए तो दलदल में से निकलना हाथ पांव मारो और अंदर फंसते चले जाओगे। तो यहां बुद्धि व्यतितरिष्यति, बहुत अच्छा शब्द लिखा है, मैं यहां लिखूंगा आपको बहुत मजा आएगा, अतितरिष्यति, वी धन अति धन तरिष्यति, तरिष्यति आप समझने की कोशिश करेंगे, तरना, तरना आप जानते हो तैर के बाहर निकल जाना, और दूसरा तरना क्या है, भवसागर से तर जाना। तो भगवान ने क्या कहा कि इस कलिल, इस दलदल रूपी मोह से तुम तर जाओ, मतलब निकल जाओगे हे अर्जुन, यदा जब, जब तुम इस दलदल रूपी मोह से हे अर्जुन तर्क जाओगे, तर के निकल जाओगे। लेकिन आगे केवल तरना नहीं लिखा, क्या लिखा, वी
अति व्यतितरिष्यति। अति यानी अच्छे से, बहुत ही, यानी विशेष रूप से, विशेष रूप से, तीव्र गति से। ऐसा नहीं कि मोह में पड़े अच्छा कल निकलेंगे, क्योंकि दलदल में नहीं, जल्दी से नहीं निकलोगे। अति तरिष्यति यानी तुरंत तुरंत निकल जाने का है, नहीं तो क्या होगा, दलदल में धीमे 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 और अंदर चले जाओगे। तो भगवान क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, भगवान ऐसा कह सकते थे ना, मोह कलिलम, कलिलम की जगह कह देते मोह कूपम, मोह तालाबम, मोह समुद्रम, ऐसा बोल सकते, लेकिन नहीं, दलदल बताया। और वो दलदल हम और आप जानते ही हैं, हर एक चारों तरफ मोह का दलदल ही है। हमारा परिवार तो, हमारा धन तो, हमारी संपत्ति, हमारा नाम, हमारा यश, हमारा शरीर, हमारे विचार, ये सब मोह के दलदल ही हैं, दलदल। और कह रहे हैं कि जितना जल्दी इसमें से तुम तर के निकल जाओ अर्जुन, और वी यानी विशेष रूप से, मतलब अच्छे से कोशिश करनी चाहिए मनुष्य को कि इस मोह नामक दलदल से जल्दी बुद्धि आपकी, आप दलदल में फंसे ऐसा नहीं, आपकी बुद्धि दलदल में फंसी है। आप कल को हमारी मृत्यु हो जाएगी शरीर की, तो ये सब तो यही रहेगा, यह शरीर भी यही रहेगा, तो शरीर दलदल में फंसा ऐसा नहीं है, यह बुद्धि दलदल में फंसी है। तो कहा यदा यानी हे अर्जुन, जब, अर्जुन यानी हम सब, हे मनुष्यों, जब तुम्हारी यह बुद्धि इस मोह नामक दलदल से जल्दी शीघ्रातिशीघ्र विशेष रूप से तैर करके निकल जाएगी, यदा यानी जब, अब नीचे का श्लोक कहते, लाइन कहते हैं, तदा जब ऐसा होगा, तब ऐसा होगा। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस दलदल से, दलदल इस मोह रूपी दलदल से निकल करके जल्दी जल्दी तर करके बाहर निकल जाएगी, तदा तब गंतासी, क्या होगा, गंत होता है यानी गंतासी, यहां भविष्य काल है। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले निकलना पड़ेगा मोह से पहले, और मोह से निकालेगा कौन, आपकी सद्बुद्धि यानी बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो जब तुम निकल जाओगे तब क्या होगा, गंतासी जाओगे, निर्वेदम, निर्वेद मतलब होता है कि ये सब प्रपंच से बाहर, एकदम पूरी तरह से वैराग्य। अब यहां भगवान अर्जुन को वैराग्य क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि इसमें मोह में फंसा है, तो मोह से निकलने के लिए जिस बुद्धि का, जिस लाक्षणिकता का उपयोग होता है वो वैराग्य होता है। ठीक है, जैसे श्मशान वैराग्य होता है, हम किसी शव का दाह करने जब श्मशान पे जाते हैं तो वहां पे हमें भी थोड़े क्षण के लिए वैराग्य हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को उस वैराग्य की प्राप्ति करवाना चाहते हैं, तो कह रहे हैं तब तुम उस वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। अब प्रश्न ये उठता है, किससे वैराग्य, कौन सी चीज से वैराग्य चाहिए, मोह ऐसी कौन सी चीज है जिससे वैराग्य चाहिए। तो आगे बोला, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, अर्थात और, अर्थात हे अर्जुन, श्रुतस्य श्रोतव्यस्य, दो चीजें हैं, जो कुछ तुमने आज तक सुना है। देखिए वैराग्य जैसे ही शब्द आएगा तो किससे वैराग्य होता है, मोह से, तो बोलेगा मोह आखिर है क्या, तो ऐसी चीजें जो हमें भोग देती हैं। अब भोग के दो पार्ट हैं, भोग में एक क्या है, एक भोग है जो धनात्मक भोग है जो दिखाई देता है, और एक भोग है मानसिक भोग है। मानसिक भोग कौन सा होगा, तो अरे नैनीताल बहुत सुंदर जगह है, अरे स्वर्ग के अंदर अप्सराएं होती हैं, कुछ ऐसे भी लोग इस धरती पे, विचारधारा के लोग ऐसे हैं जो ऐसी बात ही करते हैं कि देखो ऐसा करोगे तो तुमको मृत्यु के बाद इस प्रकार की सुख की प्राप्ति होगी। भगवान कह रहे हैं कि जो सुनने के योग्य यानी सुनने वाले हो भविष्य में, अथवा जो तुम पीछे सुन चुके हो, कोई भी भोग सुनने के बाद ही होता है। जैसे कि अगर आप बच्चों को, हम क्या लालच देते हैं, अगर तुम डिस्टिंक्शन से पास हो जाओगे, यानी हम सुनाते हैं और बच्चे सुनते हैं, तो तुमको बहुत बड़ी पोजीशन मिलेगी, बहुत बड़ी सैलरी मिलेगी, बहुत बड़ा बिजनेस हो, तो ये सब सुनने के आगे की, सुनने की चीज है। तो जो सुन चुके हो और आगे सुनने वाले हो, हर प्रकार के भोगों से, ये सब भोग हुआ क्योंकि ये सब माया जनित हुआ, मोह जनित हुआ, तो ये सभी भोगों से
जब तुम विरक्त हो जाओगे निर्वेदम, यानी उनसे बाहर निकल जाओगे, ऐसा नहीं कह रहा कि भोग भोगो नहीं, उन्होंने क्या कहा, इन भोगों की लालसा से, लालच से, इन भोगों के मोह से बाहर निकलोगे। एसी है तो एसी का उपयोग करो, लेकिन एसी नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो उस प्रकार की स्थिति में जब तुम पहुंच जाओगे हे अर्जुन, तब क्या बोला उन्होंने, अगला श्लोक लेते हैं, श्लोक नंबर 53। ध्यान रखिएगा, यहां बुद्धि अर्जुन की क्या, अर्जुन का क्या खो गया है, अर्जुन की बुद्धि खो गई, अर्जुन बुद्धि से हट करके मोह में फंस गए। तो भगवान बुद्धि के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बार बार अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन तुम कलिलम तरिष्यति, दलदल से बाहर निकलो, क्योंकि अर्जुन दलदल की तरह जाके ऐसे सिमट के बैठ गए, तो उससे तुम बाहर निकलो, तब तुम उस पद को प्राप्त करोगे। तो श्रुतव्य श्रुतस्य च, जो सुने हो और जो सुनने वाले हो, या तुमको लोगों ने जो सुनाया है, वो प्रकार का जो भोग है, जो मोह है, उससे तुम बाहर निकलो हे अर्जुन। और जैसे ही ये श्लोक खत्म होता है, भगवान 53 नंबर के श्लोक में वापस आते हैं, और अर्जुन को मैंने देखिए बार बार कहा यदा और तदा, तो यहां भी भगवान यदा और तदा का उपयोग करते हैं। क्या कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते मतलब तुम्हारा, अर्थात हे मनुष्यों, श्रुति विप्रतिपन्ना यानी जो कुछ भी तुमने सुना है, क्या सुना है, तो शास्त्रों से सुना है। आखिर आप कहां से जानते हो, पूर्वजों से सुनते हो, बड़ों से सुनते हो, बड़े और पूर्वज वो कहां से सुने हैं, तो शास्त्रों से सुना उन्होंने। तो शास्त्रों से जो कुछ भी आपने सुना है, क्या सुना है, कर्मकांड इत्यादि के बारे में, आपके कर्म के फल के बारे में। भगवान कर्मकांड को इस्तेमाल इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि कर्म कांड करने से हमें कुछ न कुछ फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि केवल जो कर्म कांडों से आपने आकर्षित होकर के कर्म किया, केवल वो कर्म आपको भगवान की ओर नहीं ले जाएगा, वो आपके इस भौतिक जगत में बहुत सारी चीजें दे सकता है, लेकिन वो आपको वो चीज नहीं दे पाएगा जो पदम, ये है ना, पदम गच्छन्त नामयम, उस पद को नहीं दिला पाएगा। तो भगवान यहाँ पे चारों चीजों की बातें कर रहे हैं, योग से, कौन से योग को आप प्राप्त हो जाओगे, ते यदा स्थास्यति निश्चला, यदा जब, फिर से आया यदा तदा, तो यहां भी आया, तो क्या बोला, ते हे अर्जुन तुम यदा जब स्थास्यति, स्थ मतलब होता है स्थिर हो जाना, स्था मतलब होता है वहां पे स्थापित हो, स्थिर हो जाना। तो किस तरह से स्थिर, आप ध्यान दीजिएगा, स्थिर किस तरह से आप होंगे, शरीर से तो स्थिर नहीं होंगे ना, अगर शरीर स्थिर हो गया सोहिल भाई तो क्या होगा, बीमारी आएगी। भगवान किसको स्थिर करने को कह रहे हैं, बुद्धि को, आपका जो बुद्धि है उसको निश्चला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि तुम्हारी जो बुद्धि है अचला, आगे पढ़िएगा समाधव अचला, समाधव और क्या है, अचला, यानी हे अर्जुन, हे मनुष्यों, जब तुम्हारी बुद्धि क्या होगी, श्रुति विप्रतिपन्नाते, जब तुम्हारी बुद्धि ये केवल शास्त्रीय बुद्धि से नहीं चलेगी, केवल कर्मकांडों में ही नहीं फंसी रहेगी, उससे बाहर निकल करके निश्चल बनेगी, यानी जब स्थिर हो जाएगी, तब तुम हे अर्जुन समाधि को प्राप्त होगे। समाधि का अर्थ क्या हुआ, तब तू देखिए शरीर बार बार ऐसे देखिए चल रहा है, तो इससे क्या होगा, मन शरीर नहीं चलेगा तो भी दिमाग चलता है, बुद्धि चलती रहती, तो बोले बुद्धि को स्थिर करना है, और जब तुम इस स्थिति को प्राप्त करोगे तो समाधि किसकी किसकी हुई, शरीर की भी हुई और बुद्धि की भी हुई। तो बुद्धि जब अचल हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी अर्जुन, तब योगम अवाप्स्यसी उसको तुम प्राप्त करोगे। अब यह जो योग है, ये योग कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा लिख के लाया हूं बताने के लिए। अष्टांग योग की बात हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे परंपरा में की गई है। इसमें पहला है कर्म योग है, दूसरा ज्ञान योग है, भक्ति योग है, लय योग है, हठ योग है, ये सारे हैं, जिसमें यम नियम आदि की चर्चा भी की गई है अष्टांग योग के अंदर। तो हठ योग में आपका शरीर
जो प्राणायाम वगैरह करने से आपका जो शरीर है वो योग को प्राप्त हो जाता है, लेकिन आपका चाल चलन विचार, आपका आपका जो रस है, इंद्रियां हैं, वो सभी को इकट्ठा करना है, अष्टांग कर, अष्टांग का योग अर्थात आठों अंगों का योग हो जाना चाहिए। हमारे कितने हैं? पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेंद्रिय, तो वो सभी का इकट्ठा हो जाना ही अष्टांग कहलाता है, अष्टांग योग। उसमें मन, अहंकार, बुद्धि सब आ जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि वो लोग उस योग को प्राप्त हो जाते हैं हे अर्जुन। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान बार बार अर्जुन को योग की ओर क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि हुआ क्या है, अर्जुन छिन्न विच्छिन्न हो गया है, उसकी बुद्धि कहीं और चल रही है, शरीर कहीं और चल रहा है, उसकी आत्मा कुछ और कह रही है, उसका मन कुछ और कह रहा है। मतलब जब हम कंफ्यूजन में होते हैं, ये करें कि ये करें, ये ना करें कि ये करें, अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो अर्जुन मैं जीतूंगा वो लोग जीतेंगे, पाप होगा कि पुण्य होगा, लड़ूं कि नहीं लड़ूं, तो अर्जुन क्या है पूरी तरह से खंडित हो गया है, अलग अलग पार्ट में एक अर्जुन अलग अलग हो गया। तो भगवान उसको योग अर्थात उसको इकट्ठा होके फोकस्ड होने की बात बार बार कर रहे हैं और अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं। तो भगवान ने यहाँ उदाहरण क्या दिया कि अर्जुन ने कहा ना कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां नपुंसक होंगी, वो सब कर्मकांड वगैरह खत्म हो जाएगा, धर्म का लोप हो जाएगा, हम और आप दोनों पाप के भागीदार हों। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन ऐसा नहीं है, तुम शास्त्रीय विधियों से बाहर निकलो। इनडायरेक्टली बोलूं, भगवान ये कह रहे हैं हम यहाँ शास्त्र पढ़ने नहीं आए हैं, हम यहाँ युद्ध करने आए। शास्त्र की चर्चा करोगे तो वो लोग मार वार के तुमको चले जाएंगे, तुम बचोगे नहीं, हम भी नहीं बचेंगे। मतलब भगवान इनडायरेक्टली उसको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब का छोड़ो, ये सब युद्ध के बाद हम चर्चा कर लेंगे, अभी तुम अपने सभी इंद्रियों को इकट्ठा करो और धर्म की रक्षा के लिए, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। हे अर्जुन, तुम योग को अर्थात सब तरफ से अपने आप को सिकोड़ के, वो अगले श्लोक में आएगा, मैं आपको वहां पे उसकी चर्चा करता हूं। श्लोक नंबर 54 नंबर के श्लोक में हम पहुंचते हैं, बहुत ही अच्छा श्लोक है ये, मैंने पहले से यहाँ लिख के रखा हुआ है कि हम इस चीज को समझ सकें। अब देखिए यहाँ अर्जुन उवाच, ठीक है, और अर्जुन क्या कहते हैं, केशव, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा मेरे साथ। श्लोक नंबर 54 अध्याय नंबर 2, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीह किम प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। वाह, यहाँ अर्जुन ने भगवान से चार प्रश्न किए। आप समझो, जब आप प्रश्न कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, आपने सुना, आप प्रश्न कब कर पाएंगे, जब आप सुनेंगे। अर्थात अर्जुन इतनी देर तक भगवान को सुनते रहे, इतने सारे श्लोक भगवान ने कहे, अर्जुन को आदेश दिया, उदाहरण दिया, योग की चर्चा किया, कर्म की चर्चा, धर्म की चर्चा, मनीषियों की चर्चा, बुद्धि की चर्चा, मोह की चर्चा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें भगवान ने अर्जुन को कहा है। अब उनको थोड़ी लालच भी दिया कि ये प्राप्त होगा ऐसा वगैरह। अब अर्जुन को लगा कि चलो मैं अपनी थोड़ी जिज्ञासा को पूछ भी लेता हूं। तो अर्जुन, पहले मैं बताता हूं अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछे। पहला, स्थित प्रज्ञस्य का अभाषा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्टेडफास्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है। भगवान ने क्या कहा, हे अर्जुन तुम अपनी बुद्धि को स्थिर करो, अपने ज्ञान, अपने बहुत ज्यादा मुझे ज्ञान की चर्चा मेरे साथ मत करो, नहीं कहा था अर्जुन ने? तो भगवान ने कहा तुम पंडितों जैसी बात करते हो, तुम पंडित हो नहीं। वही चीज अर्जुन ने यहाँ पे भगवान को अब नया प्रश्न किया, क्यों, क्योंकि श्लोक नंबर 7 में अर्जुन ने कहा था शरणम, भगवान की शरणागति को स्वीकार किया और बोला मेरे लिए जो अच्छा वो कहिए। तो भगवान ने कहना शुरू किया, जैसे भगवान ने कहना शुरू किया वैसे ही अब इस जगह पे आके अर्जुन ने पूछा का भाषा, भाषा यानी गुजराती, अंग्रेजी, संस्कृत नहीं, भाषा यानी बोलने नहीं बोलते, परिभाषा, परिभाषा अथवा नहीं बोलते हैं, उसकी भाषा अच्छी नहीं है। मान लो मैं भी गुजराती बोलता हूँ, आप भी गुजराती, लेकिन फिर भी मैं उसको बोलता हूँ उसकी भाषा अच्छी नहीं है, तो क्या वो गुजराती नहीं बोल रहा है, वो भी गुजराती बोल, भाव,
कहने का जो एटीट्यूड है, कहने का जो तरीका है कहने। तो अर्जुन का यह प्रश्न था कि हे हे केशव केशव केशव, आप जानते हो ना केशव, उस अत्याचारी का मर्दन किया था, दूसरा कि जिनके केश इतने सुंदर, ब्रह्मांड में उनके जैसा किसी का केश नहीं है, केश, और एक है केश राक्षस था, अत्याचारी था, उसका मर्दन किया था, उसका दमन किया था। तो केशव, हे केशव, अब किसका दमन किया? अत्याचारी का। तो अर्जुन ने क्या प्रश्न किया कि हे भगवान, हे केशव, आप मुझे बताओ कि मेरे अंदर बैठा हुआ जो राक्षस है, मेरे अंदर जो बैठा हुआ मोह रूपी या भ्रम रूपी या जो दलदल है या जो भोग का जो वाद है मेरे अंदर, उसका नाश करने वाले आप हो, आप ही कर सकते हो हे केशव, क्योंकि अर्जुन यहाँ पे शिष्य है, तो आप नाश कर सकते हो, इसलिए केशव का, हे केशव आप बताओ, मुझे तो पता ही नहीं है, आप कह रहे हो कि तुम ज्ञानी बनो, योगी बनो, योगस्थ बनो, यहाँ बताया था ना मैंने समत्वम योग उच्यते, उसको समता को प्राप्त हो जाओ, तो मान लो इस तरह का जो लाक्षणिकता है आप बताए, इस तरह की लाक्षणिकता के जो लोग हैं स्थित प्रज्ञ से, वो लोग स्थित प्रज्ञ हैं, आपने कहा प्रज्ञ यानी बुद्धि, स्थित यानी स्थिर, स्थ स्थ यानी अचल, तो अचल इस तरह की स्थिर बुद्धि वाले योग को प्राप्त हुए जो लोग हैं वो कैसी भाषा बोलते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति योग को प्राप्त हो गया है, कैसे पता चलेगा उसकी बात से, भाषण से, शब्दों से, उसके आचरण से मुझे कैसे पता चलेगा? समाधिस्थस्य केशव, समाधिस्थस्य अस्य यानी ऐसे व्यक्ति, कौन व्यक्ति? जो समाधि को प्राप्त हो गया है। आप कह रहे हो कि हे अर्जुन तुम समाधि को प्राप्त हो जाओगे, तो मुझे मान लो मैं समाधि को प्राप्त भी हो जाऊं तो ये कैसे पता चलेगा कि मैं समाधि को प्राप्त हो गया? अब देखो अर्जुन की हिम्मत देखिए आप, कितना वीर है, कितना ज्ञानी है, कितना शक्तिशाली है, अंदर से कितना क्लियर है ये सब चीजें, लेकिन हम और आप प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं। कभी भी युद्ध में जब सामने दुश्मन खड़ा है, भगवान इतनी सारी चीजें कह रहे हैं, उसमें भी अर्जुन ने हिम्मत करके अपना डाउट क्लियर कर ही लिया, और हम और आप क्या सोचते हैं, आज नहीं पूछेंगे कल पूछेंगे। प्रश्न पूछने में, डाउट क्लियर करने में, संदेह क्लियर करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, ये अर्जुन हमको ऐसा सिखा रहे हैं। अगर डाउट है तो तुरंत कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे केशव आप मेरे अंदर छिपे हुए राक्षस का मर्दन करने के लिए आप बताएं कि मुझे समाधि प्राप्त हुई या नहीं, अथवा किसी को समाधि प्राप्त है या नहीं, हमको कैसे पता चलेगा? स्थित दीह किम प्रभाषेत, अब बोल चाल, प्रभाषेत यानी बोलना कैसे है। कई लोग आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग मौन धारण करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कम बोलते हैं, बहुत सारे लोग फालतू बोलते रहते हैं, तो कहा किम, किस प्रकार से और कैसे बोलते हैं, प्रभाषेत किस तरह से बोलते हैं, यानी बोल चाल उनकी कैसी होती है। हे केशव कौन? स्थित धीय, धीय यानी होती है बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। हे हे केशव आप बताओ, अब मेरी बुद्धि तो स्थिर नहीं हुई है, क्योंकि मेरी बुद्धि कहाँ है, अभी पूरी तरह से मोहग्रस्त है, तो मोहग्रस्त से जो स्थिर बुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे लोग कैसी भाषा किस तरह से बोलते हैं। और ये बड़ा मजेदार है, किमासीत, आसीत यानी बैठना, और व्रजेत यानी चलना फिरना है, तो किम आसीत कैसे बैठते उठते हैं। अब मेरा प्रश्न यहाँ पे है, किम आसीत देखिएगा और किम व्रजेत, दो चीजें एक साथ है, तो दो बार किम किम बोलने की क्या जरूरत है। आप देखिए सोहिल भाई लिखा है ना, किम आसीत व्रजेत किम, दो बार बोला ना किम और किम, तो इस और इससे पहले भी बोला किम भाषेत, देख रहे हैं, तो किम यानी किम केवल यहाँ पे कहने के लिए नहीं है, एक बार भी कह सकते थे ना, स्थित धीय प्रभाषेत आसीत व्रजेत किम, ऐसा हो सकता था, एक ही किम का उपयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग चार प्रश्न किए और चारों प्रश्न बड़े ही मजेदार, इसलिए इनको एक साथ आप मत लीजिएगा। ये बोलते हैं ना, अरे वो कहाँ उठते बैठते हैं, कैसे उठते बैठते महत्वपूर्ण नहीं है,
कि समाधि में बैठ गए कि मनन में चले गए या पैर पे पैर चढ़ा के बैठ गए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ उठते बैठते हैं, किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। आप बोलते हो ना, अरे यार वो आदमी तो बेकार है, उनका संग तो देखो कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ऐसा हम प्रश्न करते हैं ना समाज में। तो अर्जुन को भी ये मन में हुआ कि मेरे समाज में भी लाखों लोग हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति के साथ उठने बैठने वाला, इस तरह से बोलने वाला, यहाँ पे पुरुष और स्त्री दोनों एक समझ लीजिएगा, हैं, किस तरह से वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके बोलने के शब्दों में क्या लय होता है, शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनका आचरण और व्यवहार कैसा होता है, उनका चलना फिरना कैसा होता है। अब देखो चलना फिरना, एक उदाहरण देता हूँ। आप मूवी देखते हैं तो मूवी में गुंडा कैसे आता है, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे करके और ऐसे बोलता है, सीढ़ी पे कैसे चढ़ता उतरता है, तो वो गुंडागर्दी है। और सज्जन लोग कैसे चलते हैं, अच्छा हम लोग तो सामान्य, हमारे चलने फिरने की तो सामान्य स्टाइल होती है कि नहीं। कोई हीरो है, कोई गुंडा है, कोई, तो हर एक की चलने फिरने की स्टाइल अलग होती। तो अर्जुन कह रहे थे कि पता कैसे चलेगा कि कौन कैसे बोलता है चलता है, उसके ऊपर से हम कैसे अवलोकन करके कैसे मूल्यांकन करेंगे कि यह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, यह व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो चुकी है, यह योग को प्राप्त हो गया है, यह व्यक्ति समाधि को प्राप्त हो गया है, ये सब पता कैसे चलेगा हे केशव कृपया। और भर अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा हे केशव कृपया मुझे ये बताइए। कितना बड़ा प्रश्न है, हिम्मत, सामने दुश्मन खड़ा है लेकिन अर्जुन को कोई जल्दी नहीं है, कृष्ण को भी कोई जल्दी नहीं है, आराम से बातें चल रही हैं लेकिन योगवत बातें चल रही हैं, हैं? अब हम अगला श्लोक लेते हैं। अब ये जो प्रश्न है चार, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, मैंने जानबूझ के लिखा, ये श्लोक नंबर है 54। अब इस अध्याय नंबर दो में टोटल 72 श्लोक है, कितने 72 है। अब अर्जुन ने प्रश्न कहाँ पूछा, 54 नंबर पे। अब आप ध्यान दीजिएगा कितने प्रश्न किए, चार, 1, 2, 3 और 4 प्रश्न किए। अब श्लोक नंबर 55 से लेके 72 तक कितने श्लोक हुए, 18। ये 18 जो श्लोक होंगे आगे के, ये 18 श्लोक में ये चार प्रश्नों का उत्तर देंगे भगवान, और एक एक का उत्तर देंगे। पहले स्थित प्रज्ञ का उत्तर देंगे, उसके बाद समाधिस्थस्य का देंगे, समाधि वाले का, फिर स्थित धी, आपकी बुद्धि, धी यानी बुद्धि, तो जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई उसके बारे में बोलेंगे, वो उसकी भाषण कैसे होता है, वो बोलता कैसे, रहता कैसे, खाता पीता क्या है, चलता फिरता कैसे, उठता बैठता कैसे, आचरण क्या है, कौन से, तो कैसा व्यवहार, तो ये सभी का उत्तर भगवान अगले 18 श्लोक में धीमे 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 देंगे। इसलिए आराम से ये श्लोक को समझने की आवश्यकता है। अगर ये 18 श्लोक हमने सीख लिया, जान लिया, सुन लिया, समझ लिया, जीवन में उतार लिया, तो हम योग को प्राप्त हो सकते हैं, हम समाधि को प्राप्त हो सकते हैं, हमारी बुद्धि स्थिर, योग स्थिर हो सकती है, और हम गच्छन्ति नामयम पदम जन्म बंध विनिर्मुक्त, हम भी जन्म और बंधन, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, हम उस पद को प्राप्त कर पाएंगे जो भगवान का पद है, जहां किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, अनामयम, जहां कोई रोग नहीं, व्याधि नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जरा नहीं, कुछ भी नहीं, केवल और केवल भगवान का सानिध्य है, उस पद को हम प्राप्त कर पाएंगे। कब, जब, यदा तदा, जब आप ये अगले 18 श्लोकों को अपने जीवन में उतार लेंगे। अब हम ये 18 श्लोक में से पहला श्लोक नंबर 55 नंबर का जो श्लोक है उसको प्रारंभ करते हैं, और यहां से श्री भगवान वाच, इसलिए ये सारे के सारे श्लोक हमने रेड कलर से लिखा है, हर एक चीज के पीछे का कारण। अभी तक का जो श्लोक है आप पीछे लीजिए, वो जामुनी कलर का था, ये देखिए, ये श्लोक अभी तक सब जामुनी कलर का हमने लिखा था, रेड कलर नहीं किया था, लेकिन अब आगे के जो 18 श्लोक हैं वो रेड कलर से। रेड कलर क्यों, सावधान हो जाओ, ये अगर सीख लिया, ध्यान दे दिया, आगे पीछे देख के चले, ये श्लोकों को जीवन में उतार लिया, तो आप
अग्नि की तरह प्रज्वलित हो जाओगे आपके अंदर से। रेड का मतलब आप अग्नि की तरह प्रज्वलित हो जाओगे, आपके अंदर से अपवित्रता और मोह नाम की चीज समाप्त हो जाएगी और आप भी उस पद को प्राप्त कर लोगे जिसके लिए भगवान यहाँ हमको सिखा रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं। श्लोक नंबर 55 बहुत ही बढ़िया श्लोक है, धीमे धीमे पढ़ेंगे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्टः आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अति उत्तम, बहुत ही सुंदर श्लोक है। एक एक शब्द ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रजहाति, प्रजहाति पहला अक्षर है प्र, और फिर है जहाति, यहां भी यदा तदा, यदा कामान प्रजहाति, जब कामान एक काम नहीं, डिजायर्स बहुत सारी इच्छाएं, कामान यानी बहुवचन है यहाँ पे, तो कह रहे हैं जब हे अर्जुन पार्थ, यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को पार्थ से संबंधित संबोधित किया। अर्जुन ने भगवान को किस नाम से संबोधित किया था? केशव, केशव मुझे ये बताओ। तो भगवान ने केशव को, अब केशव ने अर्जुन को पार्थ कहके बुलाया। आप 1 करोड़ लोगों के बीच में बैठे हो और अगर आपकी माता के नाम से आपको कोई बुला दे, आपकी माता जी का नाम क्या? सोहित भाई? सुमित्रा बेन। मान लो कोई लाख लोग बैठे हैं और वहां पे सोहिल भाई को कोई सोहिल भाई ना कह के कहे और ऐसा कहे, हे सुमित्रा नंदन, हे सुमित्रा पुत्र, तो सोहिल भाई का कान खड़ा हो जाएगा और तुरंत कहेंगे, अरे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुझे मेरी माँ के नाम से बुला रहा है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरी माँ को जानता है। तो चाहे सोहिल भाई ध्यान दें ना दें, सो रहे हो जगे हो, तुरंत उठ के बैठ जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया, अर्जुन प्रश्न किया यानी जगा हुआ है, जगे हुए हैं, जगे हुए को जगाना है। क्यों? क्योंकि अब आगे के जो 18 श्लोक है उसमें जगने की आवश्यकता है। आप सबको मेरा निवेदन है, आप जग जाओ, क्योंकि अब भगवान आपको पार्थ के नाम से आपकी माता के नाम से बुला रहे हैं और कह रहे हैं सर्वान कामान मनोगतान, सर्वान मनोगतान कामान यदा, यानी जब तुम्हारे अंदर, कहां पे मनोगतान, मैं थोड़ा समझाऊंगा, जब तुम्हारे जितने भी स्वार्थपूर्ण कामनाएं हैं, सर्वान एक नहीं, हर एक प्रकार का, मैंने सर्व यहां लिखा हुआ, देखिए सर्वत्र सर्वशः सर्वरूप सर्व इंद्रिय सर्व रस सर्व भाव, हर प्रकार से, हर जगह से, हर तरफ से, अंदर से बाहर से, बाहर से अंदर से, दोनों के बीच से, अंदर बाहर के बीच में भी लिंक होता है। जैसे डॉक्टर ने बोला कि आपको शुगर की बीमारी है, आप शुगर मत खाना, लेकिन जब आप किसी शादी ब्याह में जाएंगे तो क्या करेंगे, दूर से रसगुल्ला देखेंगे तो मन में होगा कि मैं खा लूं। तो मनोगतान, यहाँ पे शब्द क्या है, सर्वान पार्थ मनोगतान, मन के अंदर भी चल रही जो इच्छाएं हैं, कामान जो कामनाएं हैं, मन के अंदर जो तुम्हारे स्वार्थ पूर्ण जो भाव चल रहे हैं, प्रजहाति, जहाति मतलब होता है हाथ, जहाति मतलब छोड़ देना, और प्रजहाति यानी विशेष रूप से छोड़ देना। जैसे डॉक्टर ने बोला शुगर मत खाना, तो आप ये शुगर रखा है तो शुगर मैं नहीं खाऊंगा, वो हुआ जहाति। क्या हुआ? जहाति। लेकिन भगवान ने जहाति नहीं कहा, क्या कहा? प्रजहाति। प्रजहाति यानी विशेष रूप से। तो डॉक्टर के कहने से मैंने शुगर खाना छोड़ा, ये हुआ बाहरी लक्षण, लेकिन शादी में गया
और खा नहीं रहा हूं, लेकिन मन में खाने का भाव चल रहा है, मन में वो मिठाई का जो लालच है मन में चल रहा है, तो वो अगर वो लालच भी छोड़ दिया तो प्रजहाती हुआ। तो मिठाई खाना छोड़ना जहाती, लेकिन उसकी इच्छा न करना, मिठाई के बीच में बैठे हैं लेकिन मन से ऐसा हो जाए नहीं है, नहीं खाना है मुझे, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, ठीक है, डॉक्टर ने कहा हो या ना कहा हो, तो प्रजहाती। तो क्या बोला, कामान यानी सभी कामनाओं का त्याग हो जाए, किस तरह से, अंदर से और बाहर से। सर्वान, एक कहावत है कि ईमानदार कौन है, जिसको चोरी करने का चांस नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चांस मिला तो चोरी कर लिया, कोई देख नहीं रहा, तो कामान उसकी मन से काम भी खत्म हो जाए। सर्वान, सर्वान मतलब चारों दिशाओं से, अंदर से बाहर से, और मनोगतान, मन पे तो छा गया। अब कुछ लोगों को मैं थोड़ा बुरा कहने जा रहा हूं, सुन लीजिएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 80 साल के हो गए हैं, 80 साल के तो हो गए लेकिन मन में सारी कामनाएं चल रही हैं, देख नहीं रहे हैं, आपको दिखेगा नहीं लेकिन मन के अंदर तो सारे जो लक्षण हैं, अच्छे बुरे लक्षण अंदर भरे पड़े हैं, एकदम अंदर देखने जाओ माइक्रोस्कोप से तो गंदा गंदा ही दिख रहा होगा, ऐसे भी मन में लोगों के होता है। तो बोला मन के अंदर से भी उसको वाइप आउट करो, उसको पूरी तरह से साफ कर दो। फिर आत्मन्येवात्मनः तुष्ट, अरे बहुत बढ़िया बात है, तुष्ट, पहले मैं तुष्ट बताऊंगा, तुष्ट मैंने यहां लिखा है, इसके दो रूप होते हैं, एक होता है संतुष्ट और एक होता है असंतुष्ट। बहुत लोगों का नाम होगा संतोष लेकिन वो असंतुष्ट होंगे, संतोष नाम रख लेने से कोई संतुष्ट नहीं हो जाए, तो बोला संतुष्ट यानी तुष्ट, भगवान ने कहा, संतुष्ट नहीं लिखा है, आप समझ रहे हो, यहाँ पे भगवान ने क्या लिखा, आत्मन्येवात्मना, आत्मा से ही, आत्मा में संतुष्ट नहीं, तुष्ट रहो। अब तुष्ट में दो हो गया, संतुष्ट और असंतुष्ट, मतलब मिला तो संतुष्ट, नहीं मिला तो असंतुष्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मिलने से संतुष्ट हो गए तो खुद से खुद में संतुष्ट नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि न मिलने से आप असंतुष्ट भी हो रहे हो, तो स्थित प्रज्ञ नहीं होंगे आप, अर्थात स्थिर बुद्धि वाले नहीं कहलाएंगे। सुगंध मिला, फूल मिल गया, खुश, तो आत्म से आत्म संतुष्ट हो गए, लेकिन अगर सुगंध नहीं है, दुर्गंध है, तो आत्मा में यानी खुद से खुद में संतुष्ट नहीं कर, भगवान यहां अंदर, मन के अंदर जाने की बात कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम मन के बाहर की बात कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा तुष्ट आत्मनि आत्मना, खुद से खुद में संतुष्ट होना, अर्थात मान लो ऐसी कार मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो ऑटो रिक्शा चले जाएंगे, ऐसा भी तो, ऑटो रिक्शा भी नहीं मिला तो पैदल चले जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि एक परिस्थिति में खुश और दूसरी परिस्थिति में दुखी ऐसा न हो, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते, ऐसे को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्जुन का पहला प्रश्न क्या था, पढ़िएगा, स्थित प्रज्ञस्य का आभाषा, हे भगवान स्थित प्रज्ञ कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति है या नहीं, तो भगवान ने उत्तर दिया कि ऐसे दिव्य व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे दिव्य चेतना वाले जो व्यक्ति हैं, वो अंदर से, चाहे इंद्रियों से, बाहर से, अंदर से, अंदर से, बाहर से, सर्व प्रकारेण, मानसिक रूप से, बुद्धि के रूप से, हमेशा हमेशा स्थित होते हैं, खुद में खुद से प्रसन्न हो, ऐसा नहीं कि फलाने ऐसा बोल दिया तो दुखी हो गए, किसी ने प्रशंसा कर दिया तो सुखी हो गए, किसी ने गाली दे दिया तो दिन भर गाली, अरे उसने मुझे गाली दे दिया, दुश्मन दिख गया तो आपके अंदर घृणा आ गई, और कोई पसंद जो आता है वो देख लिया तो प्रसन्न हो गए, ऐसा। तो यहाँ पे तुष्ट है यानी न तो असंतुष्ट और न तो संतुष्ट, दोनों के बीच, अर्थात दोनों मिला तो भी स्थिति वही की वही, विजय मिली तो ऐसा नहीं क्या इतने उछलने कूदने लगे, हवा में उड़ने लगे, और पराजय मिली तो तुम, हे अर्जुन, तुम पराजित होकर के इस तरह से बैठोगे, तुम योग को प्राप्त नहीं हुए हो, तुम स्थित प्रज्ञ नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि इस समय, तुम्हारी जो प्रज्ञा है वो अस्थिर है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, हे अर्जुन,
इसलिए तुम इन कामनाओं का त्याग करो जो इंद्रिय जनित है, जो मन जनित है, जो स्वार्थ जनित है, ऐसे सबका त्याग करो हे पार्थ। पार्थ कहके भगवान ने तुरंत अर्जुन को श्लोक नंबर 55 से 56 में ले जाते हैं और वहां पे अर्जुन को तुरंत ऐसा बोलते हैं हे अर्जुन अर्थात हे पार्थ। ये भी रेड कलर से है, आप ध्यान रखेंगे। मैं इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में भगवान ने कहा है, यहाँ थोड़ा बुद्धि लगाने की आवश्यकता है, इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है थोड़ी बुद्धि का उपयोग करेंगे। दुखे स्वानुद्विग्नमना, हाँ दुखे स्वानुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः, दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः, वीतरागभयक्रोधः स्थिताधि मुनि उच्यते, वीतरागभयक्रोधः स्थिताधीः मुनिरुच्यते। बहुत उत्तम उदाहरण है, आप पढ़िएगा। प्रश्न नंबर अगले 54 नंबर के श्लोक में अर्जुन ने पूछा स्थित दीह किम प्रभाषेत, ऊपर वाले में बताया भगवान ने समाधि का बताया, समाधौ न विधीयते बताया, स्थित प्रज्ञ से का भाषा बताया, अब यहाँ पे स्थित दीह यानी भगवान क्या करेंगे, ये जितने प्रश्न हैं इनके बारे में धीमे 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 अर्जुन को नीचे ले जाएंगे। आप समझो चार प्रश्न है, ठीक है, ये चार प्रश्न ऐसे। तो प्रश्न के बारे में क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रश्न तो पूछते हैं लेकिन हमको ही नहीं पता कि हमने क्या पूछा है, तो भगवान उसको पहले बता रहे हैं कि तुमने जो पूछा है उस प्रश्न का अर्थ क्या है पहले वो समझ लो। तो अभी भगवान क्या करेंगे, पहले उस प्रश्न का अर्थ यानी अर्जुन ने जो पूछा आखिर क्या पूछा पता तो होना चाहिए मैंने क्या पूछा है, तो भगवान पहले उनको जो पूछा है उसका अर्थ समझा रहे हैं। तो अब क्या समझा रहे हैं, दुखेश्व, अब देखिए दुखेशु एक दुख नहीं, पहले क्या बताया था ये आपको अगर ध्यान है ध्यान दीजिएगा, गतान है ना, फिर उन्होंने क्या और बताया, एक मन नहीं, उन्होंने क्या बताया, बहुत सारे, देखिएगा कामान एक काम नहीं, हमारे अंदर काम 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 ही चलता, कामान गतान मनोगतान है ना, मनोगतान लिखवाया भगवान ने कहा, और क्या बोला, तो सर्वान है, सर्वान भगवान ने क्या कहा, सर्वान यानी सभी, ऐसा नहीं कि इस समय एक इच्छा हुई और उसका मैंने त्याग कर दिया और मैं क्या हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर एक कामना थी मैंने त्याग कर दिया, आपके अंदर तो कामनाओं का भंडार है, एवरेस्ट पहाड़ है आपके अंदर कामनाओं का, तो सभी कामनाओं का त्याग, सभी कामनाओं से हमें मनगत कामना है, मनगत वाणीगत आचारगत कुछ ऐसे भी चीजें, मेरा दुश्मन है मैं मुंह से नहीं बोल रहा, वाणीगत नहीं है लेकिन मनगत ऐसा है कि ये मर जाए, मनगत मन के अंदर तो है ऐसा, तो भगवान ने कहा मनगत भी खत्म हो जाना चाहिए, तो बोला अब उसका लक्षण बता रहे हैं कैसे होगा, दुखे स्वान दुखों में भी क्या है, द्विग होता है ना, मन उद्वेग में आ जाता है, अगर अपना कोई चला गया, अपना कोई हमसे छूट गया या अपनी कोई चीज का नुकसान हो जाता है, आपके हाथ में मान लो एक सिंपल सी बात है एक चाय का कप है और अगर चाय का कप भी गिर गया है तो ये चाय हम पीने वाले थे ना हमसे गिर गए तो मेरे मन में उद्वेग हो जाता था, हम क्या करते हैं, अरे ध्यान नहीं रखते हो ये कप चाय नहीं पकड़ सकते तुम, तो हम क्या उसके बारे में कुछ भी बोल अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं बिना परिस्थिति को जाने समझे, तो बोले उद्वेग नहीं होना चाहिए, हे अर्जुन तुम उद्वेग से बाहर निकलो, दुख नाम किसी भी प्रकार के दुख से उद्वेग में आने, दुख क्या है, दुख कर्म नहीं है, दुख क्या है फल, और उद्वेग क्या है फल का फल है, कर्म कर्म का फल सुख या दुख, आप समझ रहे हो, तो भगवान ने बोला कोई भी फल हो
ना सुख ना दुख देखना है हमें फल। तो कर्म का फल क्या हुआ, यहां दुख हुआ मान लो, तो उस दुख का फल क्या होगा, दुख के कारण आप क्या होंगे, उद्वेग में आएंगे। तो उद्वेग क्या हुआ, वो तीसरा फल हुआ, ठीक है। पहला फल क्या है, कर्म का जो फल मिला दुख, उससे आप दुखी हुए। तो पहला दुख है जो एक फल है, उस दुख से आप दुखी हुए, और दुखी होके उद्वेग में आकर के आप रिएक्शन दोगे, आप वापस कर्म करोगे, यानी दुष्कर्म करोगे, गलत कर्म करोगे। क्यों? क्योंकि आपका मन क्या होगा, विचलित हो जाएगा। तो उद्विग्न मनाह, तो आपका जो मन है वो विचलित हो जाएगा। तो ना मनाह उद्विग्न अनुद्विग्न, यानी आप विशेष रूप से ऐसा ख्याल रखो कि आपका मन उद्वेग में ना जाए, विचलित ना हो। हे अर्जुन, दुखों के कारण तुम्हारा मन विचलित नहीं होना चाहिए विशेष रूप से। और क्या बताया, जो अभी अर्जुन क्या है, दुख में जाकर के क्या हुए है, डिप्रेशन में चले गए, यानी डिप्रेशन में चले गए हैं। तो इस चीज को पहले भगवान ने दिया। दूसरा क्या बताया, सुखे सुविगत स्प्रिय। और ऐसा भी नहीं, पहले आपने देखा था कर्म, कर्म फल और कर्म फेल फल का हेतु। तो कर्म फल का हेतु अर्थात मान लो सुख हुआ, आपके कर्म का फल अगर सुख हुआ, तो सुख के कारण विगत स्प्रिय मतलब जरूरत से ज्यादा उसके लालसा में नहीं फंस जाना चाहिए, उसके चक्कर में नहीं फंस जाना चाहिए, उसमें भी आपको समत्वम योग उच्यते। यहाँ पे देखो लिखा बार बार समत्वम योग, सुख और दुख में समत्व रहना, संभाव रहना। तो सुख में भी बहुत ज्यादा सुख की लालसा के बिना तुम्हारा मन होना चाहिए, यानी मन सुख की लालसा में विचलित नहीं होना चाहिए। ये दूसरी बात। तीसरा, अब तीसरे में तीन भाग है, वीतराग भय क्रोध। तीसरे में तीन चीजें हैं, क्या क्या है, राग भय क्रोध, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लस्ट, एंगर और ग्रीड। लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। तो एल ए जी आपके लेग होता है, एल ई जी, और ये क्या है, एल ए जी आपके लेग को लैग करता है, आपके पैर को खींचता है। कौन खींचता है, भय राग, राग भय क्रोध, राग भय है ना, लस्ट एंगर जो ग्रीड है, यानी ये एल ए जी है, ये आपके लेग को क्या करेगा, खींचता है। वीतराग भय क्रोध। हे अर्जुन, यहाँ पे भगवान ने पार्थ से कहा और यहाँ हम सबसे कह रहे हैं कि अगर आप राग यानी लस्ट, यानी क्या हुआ, आसक्ति, आसक्ति से अगर आप बाहर नहीं निकलोगे, वीत नहीं बोलते हैं कि छोड़ दो ये तो बीती हुई बात है। अब बीती हुई बातों का अर्थ क्या है, बीत गया का अर्थ क्या है, बीत गया मतलब ऐसा नहीं कि वो चला गया, बीत गया यानी आपने उसके ऊपर चले गए, आप उससे विजय प्राप्त कर लिया। मान लो एक कीचड़ है, यहाँ पे कीचड़ है, तो कीचड़ के अंदर पाँव रखा मैंने, ध्यान दीजिएगा, कीचड़ है, कीचड़ के अंदर पाँव रखा, अंदर पाँव रखा, पाँव रखा, और उससे मैं बाहर निकल गया, क्लियर हुआ। और दूसरा, एक दूसरा है, कीचड़ है तो मैं उसमें लंबा लंबा पैर रख के बाहर निकलूंगा, लंबा लंबा, ठीक है। और तीसरा, कूद के बाहर निकल जाऊंगा। तो भगवान ने क्या बोला कि राग भय और क्रोध से कूद के बाहर निकल जाओ, उसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हे अर्जुन, ये तीनों में अगर गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, और उसके लिए मनीषी के अंदर ही स्थिर बुद्धि ऐसी होती है, स्थित अधीह मुनि उच्च, मुनि मनन चिंतन विचरण करने वाले ज्ञानी, बहुत ही शास्त्रों का ज्ञान प्रैक्टिस किए मनुष्य, यानी प्रैक्टिस किए हुए कुशल लोग, मनीषिणः कुशलः, कुशल लोगों का ही ये कर्म है जो इसके अंदर से बाहर निकल सकते हैं। अन्यथा तुमको कुछ भी करके राग भय और क्रोध से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तब तुम्हारी बुद्धि स्थिर बुद्धि कहलाएगी। तो हम सब के लिए भी यही है, राग पहले होता है, पहले क्या, सोहिल भाई मेरे अपने फ्रेंड है, सोहिल भाई रोज मुझे आके सर जय श्री कृष्ण बोलते हैं, ओके, राग हो गया।
अब दूसरे दिन सोहिल भाई आए और बोले, कुछ नहीं बोले, ऐसे मुझे देखा और ऐसे चले गए मेरा टेस्ट लेने के लिए, देखें सर को बुरा लगता है कि अच्छा लगता है। अब सोहिल भाई ऐसे करके चले गए तो मेरे अंदर क्या होगा, हैं, राग से भय का सेकंड पार्ट पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ कि मेरा सम्मान नहीं किया, यानी राग के कारण दो भाव पैदा हुए, सम्मान और असम्मान। तो जो असम्मान है वो भय हुआ, तो मैं भयभीत हुआ, अंदर से तो भयभीत हुआ, लेकिन अहंकार है ना, तो अहंकार भय को दबा देगा। तो अहंकार हुआ ये कि हैं, मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, मुझे जय श्री कृष्ण नहीं बोला। अरे भाई तुम भी तो बोल सकते थे, अरे सोहिल भाई कहाँ जा रहे हो, जय श्री कृष्ण, आप भी तो बोल सकते थे। लेकिन नहीं, अहंकार के अंदर का जो भय है वो आपको बाहर नहीं आने दे रहा। और उसके बाद सोहिल भाई चले गए, क्रोध, देखता हूँ सोहिल भाई क्या करते हैं, मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला ना, मैं देखता हूँ, क्रोध। तो पहले क्या पैदा होगा, राग। मैं थोड़ा सा थोड़ा खराब भाषा इस्तेमाल करता हूँ। मान लो आप किसी को चाहते हैं, ठीक है, आज के अर्जुनों की बात चल रही है, आज के लोगों की बात, 80% लोग इसी में पड़े हैं। आप किसी को चाहते हैं, ठीक है, राग उत्पन्न हो गया, आसक्ति हो गई, अब उसकी शादी किसी और से हो गई, भय है। अब भय क्या कि मेरे पिता को पता ना चल जाए, उसके पिता को ना पता चल जाए, तो भय अंदर से डर खा रहा है आपको। और उसकी शादी 10 दिन के बाद किसी और से हो गई, क्रोध, अब आपको क्रोध उत्पन्न हो गया है, मैं इतना चाहता था, मुझे नहीं पसंद किया, क्रोध, वीतराग भय क्रोध स्थितधीह मुनि उच्यते। ऐसे लोगों को, हे अर्जुन, हे पार्थ, स्थिर बुद्धि का प्रबुद्ध मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य कहा गया है। हे अर्जुन, जिनके अंदर दुख से उनकी बुद्धि विचलित नहीं होती, सुख से उनमें, सुख क्या, उनके अंदर कोई स्प्रिहा नहीं है, अर्थात कोई लालसा नहीं है, राग अर्थात आसक्ति, भय अर्थात भय, क्रोध अर्थात क्रोध के चारों, तीनों चरण को, तीनों चरणों से वो बाहर, वीतराग भय मुक्त हो चुके हैं, क्रोध मुक्त हो गए हैं, आसक्ति मुक्त हो गए हैं, ऐसे लोगों की जो बुद्धि है अर्जुन, वो स्थित बुद्धि होती है और स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और ऐसे ही लोगों को मुनि अर्थात मुनि कहा गया है, मनीषी कहा गया है। अर्जुन, हे पार्थ, श्लोक नंबर 56 के बाद भगवान अर्जुन के अगले प्रश्न का उत्तर श्लोक नंबर 57 में देंगे। 57वां श्लोक जरा देखें, बहुत ही मजेदार, बहुत ही यह सर्वत्रान भी स्नेह, यह सर्वत्रान भी स्नेह, तत्त प्राप्य शुभा शुभम। भगवान हर जगह यदा तदा, बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ भी उन्होंने ऐसे कहा, ना अभिनंदति ना द्वेष्टि, ना अभिनंदति ना द्वेष्टि। मैं इसलिए अलग अलग करके बोल रहा हूं, आपको सीधे सीधे अर्थ समझ में आ जाएगा। तस्य अर्थात उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता स्थित होती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, पीछे से शुरुआत करो, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि, तस्य यानी उसकी, प्रज्ञा यानी बुद्धि, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठिता अर्थात स्थिर होती है, एकदम अचल होती है, निश्चल, मैंने लिखा था चंचला नहीं होती है, उसकी बुद्धि चंचला नहीं होती है, उसकी बुद्धि अचल होती है, उसकी बुद्धि समाधि में होती है, उसकी बुद्धि स्थित होती है, उसकी बुद्धि निश्चल होती है, उसकी बुद्धि कर्मज के फल से युक्त नहीं होती है, उसकी बुद्धि कुशल होती है। हे पार्थ, जो क्या, न अभिनंदति न द्वेष्टि, नीचे से पढ़िएगा, न अभिनंदति, न तो प्रशंसा से प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि और न द्वेष करता है, अर्थात सम्मान हुआ तो खुश हो गए और असम्मान हुआ तो दुखी हो गए, द्वेष करने लगे। इन दोनों से जो बाहर निकल जाता है अर्जुन, न अभिनंदति, न तो प्रशंसा से संतुष्ट होता है और न अप्रशंसा से असंतुष्ट होता है, उससे द्वेष करता है, ऐसा जो व्यक्ति है, इन दो लक्षणों वाला वो व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है कि वो प्रतिष्ठित बुद्धि वाला है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है मेरी नजर में। प्रतिष्ठित यहां दो शब्दों का है, एक है
तिष्ठित, प्र अलग है, तिष्ठित, तिष्ठित यानी स्थिर बुद्धि वाला, और प्रतिष्ठित यानी नहीं होता है, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, बहुत ही इज्जत इज्जतदार है, बहुत ही सम्माननीय, तो उस व्यक्ति की मेरे नजर में प्रतिष्ठा है हे अर्जुन, वो अर्जुन मेरी, हे अर्जुन, हे कृष्ण, हे पार्थ, मेरी नजर में वो व्यक्ति जो ना तो प्रशंसा से प्रशंसा की लालसा रखता है, ना द्वेष करता है, वो व्यक्ति मेरी नजर में स्थित बुद्धि वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति है हे अर्जुन। और इस चीज को फिर ऊपर से लिंक करिए, ना सर्वत्र यह, यानी जो सर्वत्र अनभिस्नेह, ऐसा नहीं कि हर जगह पे आसक्त रहता हो, हर परिस्थितियों में अनासक्त, यानी हर आसक्ति से दूर रहता है, चाहे अच्छा बुरा हर परिस्थिति में तत्त प्राय, तत् तत् दो बार आया है, तत् यानी एक लेफ्ट हैंड के लिए और तत् प्राप्य अगले के लिए, प्राप्य अर्थात प्राप्त होता है शुभ अशुभ, शुभ शुभा शुभम, शुभम अशुभम दो शब्द है, यानी अच्छा और बुरा, अर्थात हे अर्जुन हे पार्थ, जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में सर्वत्र अनभिस्नेह, हर परिस्थितियों में अस्नेह अनस्नेह अनभिस्नेह अर्थात अनासक्त रहता है शुभा शुभम, शुभ और अशुभ फल, यानी शुभ से हर्षित और अशुभ से विपत्ति से उदासीन नहीं होता, जो व्यक्ति न तो प्रशंसा से खुश और न द्वेष से करता है, वो व्यक्ति मेरी नजर में स्थित बुद्धि वाला है और वो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है हे अर्जुन। यहाँ पे भगवान ने वापस आप देखिए किनकी चीजों का उत्तर दिया, क्या बताया था, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यहाँ पे अर्जुन ने पूछा था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, वापस उन्होंने बताया है। अब आगे वाले श्लोक नंबर 58 जो आज का अंतिम श्लोक होगा उसको लेते हैं, और वहां पे बहुत बढ़िया है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसका अर्थ कभी कभी लोग अनर्थ अलग ढंग से ले लेते हैं। यदा संहरते चायम, यहाँ चाय पीने वाली चाय नहीं है, चाय और कोल्ड ड्रिंक नहीं है, यदा संहरते चायम, चायम मतलब च अयम, अयम यानी यह, कौन यह कौन, यह बुद्धि, यदा संहरते चायम, यदा तदा बार बार आता है, कूर्मोंगानीव सर्वशः, कूर्मोंगानीव सर्वशः, सर्वशः आया, देखिए हमने यहां लिखा था सर्वत्र सर्वशः सर्वरूप सर्व इंद्रिय सर्वरस सर्वभाव मुनि वीतराग वीतराग भय क्रोध, यहाँ पे वो सारी चीजें वापस आएंगी, कूर्मः कूर्मोंगानीव, कूर्मः कूर्म यानी कछुआ है, सर्वशः हर प्रकार से, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रिय दो बार आया, इंद्रियाणि अर्थात आपकी जो बहुत सारी इंद्रियां हैं, इंद्रियार्थे इंद्रिय के अर्थ से विषयों से, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, देखिए वापस आया इसके ऊपर वाले श्लोक में क्या था, एक बार ऊपर ले लीजिए 57 में, ये बस यहां भी लिखा, नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो बहुत ज्यादा सुखी या दुखी नहीं होता मान सम्मान से, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठिता, वो व्यक्ति प्रतिष्ठित है और उसकी जो बुद्धि है वो तिष्ठित है अर्थात स्थिर है। फिर से 58 में देखिए नीचे लिखा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, पीछे देखिए, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, किसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, कौन व्यक्ति कौन आत्मा प्रतिष्ठित है मेरी नजर में अर्जुन, जो यदा संहरते चायम, जिस तरह से जिस प्रकार से, यदा यानी जिस तरह से, जब जब संहरते संहरते, हरत जानते हैं हरना मतलब होता है हरण अपहरण करना, तो जैसे अपहरण है वैसे ही संहरण है उल्टा, अपहरण कौन करता है, दूसरे लोग, जैसे मान लो सीता का अपहरण हुआ, तो अपहरण यानी उल्टा, यानी उनका जो अपना नहीं है या जिसको अपना नहीं वो जबरदस्ती, और संहरता है उसका उल्टा, यानी जानबूझ के हरना, जानबूझ के अपने कंट्रोल करना, जानबूझ के उसका हरण करना, तो संहरते चायम च अयम यह कौन करता है, बुद्धि, अगर आप अपनी बुद्धि से जानबूझ के समझबूझ के नहीं बोलते हैं मैंने जानबूझ के ये किया है, और एक क्या होता है दुश्मन ने किया है,
अनजान, आप नहीं जानते हो, आपके अनजाने में हुआ, तो जानबूझ करके जो व्यक्ति संहरण करता है यानी अपने अंदर अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है, संकुचित कर लेता है, क्या किस तरह से अयम इसका, किसका, अपने बुद्धि से, बुद्धिपूर्वक किसका, किस तरह से कूर्मो, जिस तरह से कछुआ अंगान इव, इव यानी जिस तरह से, वैसे ही अपने अंगों का, कछुए के चार पैर और मुंह होते हैं, पूंछ होती है, तो जैसे ही देखता है कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है या कोई परेशानी है तो क्या करता है कछुआ, अपने सभी अंगों को अंदर ले लेता है, सर्वशः चारों तरफ से, ऐसा नहीं कि मुंडी अंदर ले लिया और पैर बाहर रखता है। इसी तरह से हमारे अंदर भी पांच कर्मेंद्रियां हैं, तो भगवान ने बोला इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों से अपने पूरी सभी के सभी इंद्रियों को, अपने इंद्रियों के विषयों से, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय अलग अलग, जैसे लालच होना जीव का विषय, अच्छा सुनना बुरा सुनना कान का विषय, अच्छा देखना बुरा देखना या जो न देखने लायक वो भी देखना वो आंख का विषय, तो विषयों से, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को कछुए की भांति अपने अंदर जानबूझ करके संकुचित कर लेना, कंट्रोल कर लेना, खींच लेना और उन विषयों से हटा लेना ही उस बुद्धि का कर्म है। अगर ऐसा यह बुद्धि करती है तुम्हारी, तो तुम्हारी इस बुद्धि को मैं स्थित प्रज्ञ कहूंगा, अथवा ऐसी बुद्धि को ही स्थित प्रज्ञ और ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे आत्मवत व्यक्ति को जो स्वयं से स्वयं की इंद्रियों को खींच लेता है, आत्मनेन्द्रिय आप पढ़े थे आपने, कि खुद से खुद की इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता है, केवल इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करता है, इंद्रियों के विषयों को भी कंट्रोल कर लेता है। जैसे आप 2 महीने से बीमार हैं, ठीक है, तो 2 महीने से बीमार हैं तो आपके अंग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीछे इन अंगों से जो भोग भोग लिया है वो भोग का विषय इंद्रियों में, मन में पड़ा हुआ है, तो आप मजबूरी में वो विषय का भोग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो विषय आपके अंदर तो पड़ा है। तो भगवान ने कहा इंद्रियों को ही नहीं, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से भी अंदर ले लेना है, यानी उसका चिंतन मनन भी न हो, ऐसी बुद्धि ऐसी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, और ऐसे जो योगी हैं उनको मैं प्रतिष्ठित यानी उनको मैं सम्मान करता हूं, ऐसा भी अर्जुन से भगवान का ये कहना है। अब इससे आगे जो श्लोक नंबर 58 है वो हम अगली बार लेंगे, हम केवल एक बार पढ़ देते हैं जिससे आपको ध्यान रहे कि अगले श्लोक में हम क्या लेना चाहते हैं। 59 नंबर का श्लोक, बस आज का सेशन पूरा करते हैं, बस इसको पढ़ के, क्योंकि ये 58 से संबंधित है तो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है ना, तो अगली बार जब इसको लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा क्या कहना चाह रहे हैं। तो विषयों से, तो विषया विनिवर्तन्ते, विषयों से, हाँ विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, देही और देही की चर्चा पहले हुई है, यहाँ देहिनः शरीर की बात किया, शरीर देहिनः निराहारस्य रसवर्ज्यम रसोप्यस्य, वहां इंद्रिय विषय ऊपर विषय, यहाँ रस, रस रस दो बार कहा, परम दृष्ट्वा निवर्तते। एक बार श्लोक को फिर से पढ़ के समाप्त करते हैं आज का सेशन। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हे अर्जुन, जिस तरह से शरीर निराहार अर्थात उपवास वगैरह करने से विषय से शरीर की इंद्रियां हट जाने हो जाती हैं, लेकिन रस नहीं जाता है, तो जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है वो उस रस का भी त्याग कर देता है, क्योंकि परमात्म तत्व परम दृष्ट्वा परम का अनुभव हो जाता है जिसको, हे अर्जुन, वो इंद्रियों को ही नहीं इंद्रियों के रसों का भी परित्याग कर देता है, अर्थात उन रसों का भी भान उसको नहीं रहता है, निवृत्ति ले लेता है, वो व्यक्ति क्या होता है। तो अर्जुन का प्रश्न क्या था, समाधिस्थस्य केशव, समाधि में गया व्यक्ति क्या होता है, अब इसके बारे में भगवान अर्जुन से ये उदाहरण दे करके, कछुए का उदाहरण दिया और बहुत सारे फल वगैरह की चर्चा किया, और हम आज ये सेशन समाप्त करते हैं।
ओम श्री परमात्मने नमः श्री कृष्णार्पणमस्तु।